बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद उमर है। आप अभी हम सबसे पहले ये प्रेजेंटेशन फाइल को रन करने के लिए फाइव प्रेस करेंगे। मैं फाइव प्रेस करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन ऑप्शन वेबसाइट इज़ द टाइटल ऑफ माय प्रोजेक्ट। आई एम स्टूडेंट ऑफ रिसर्च यूनिवर्सिटी। समथिंग अबाउट मी माई सेल्फ, माई नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद उमर है। माई वी यू आई डी दिस MC19020602 06 एंड माई ग्रुप आई डी इज 1800 S1800 3201 90। कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ आपको। ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक सिंपल वेब एप्लीकेशन है जो कि दो किस्म के यूज़र्स को, मुख्तलिफ यूज़र्स को फैसिलिटेट करेगी। जैसे जो है, एक यूज़र है हमारा एडमिन यूज़र, दूसरा यूज़र है सेलर और तीसरा यूज़र है बिडर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हमारी एप्लीकेशन को ओवरऑल कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा। एडमिन जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज को ऐड करेगा, उनको व्यू कर सकता है, उनको डिलीट कर सकता है, उनको एडिट करना चाहे तो वो कर सकता है, और इसी तरह से उन कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट आइटम्स की जो डिटेल्स है उनको जो है ऐड, व्यू, एडिट और डिलीट कर सकता है। एडमिन विल व्यू डिटेल्स ऑफ ईच कस्टमर एज वेल। जो एडमिन है वो कस्टमर्स की भी डिटेल्स को जो है वो व्यू कर सकता है, और इसके अलावा जो है वो जो आइटम्स आपकी सिलेक्ट होती हैं, जो फाइनल होती हैं, उसको भी एक्सेप्ट और रिजेक्ट करेगा अगर कोई सेलर जो है वो उस प्रोडक्ट को ऐड करता है। इसके अलावा एडमिन जो है वो ऑक्शन को भी अनाउंस करेगा, ऑक्शन सेशन जो है कि कब ऑक्शन स्टार्ट होगी और कब ख़त्म होगी, ये सारा काम भी जो है वो एडमिन ने ही करना है। ठीक है, तो मुख्तलिफ काम है जो एडमिन ने परफॉर्म करने हैं। इसके अलावा जो है वो सेलर जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा, व्यू करेगा, एडिट करेगा और डिलीट कर सकता है। वो रिक्वेस्ट जो है वो सेलर जो है वो अपनी प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर को भेजेगा, एडमिनिस्ट्रेटर उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, और उसके लिहाज से उसका स्टेटस होगा कि वो पेंडिंग है, रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है। जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो पहले एडमिन उसे देखेगा, तब और फिर उसको प्रूफ करेगा जो जो है, और उसके बाद सेलर जो है वो ऑक्शन में भी पार्टिसिपेशन करेगा। ऑक्शन जो है वो सेलर और बिडर के दरमियान में जो है ना वो कम्युनिकेशन होगी। सेलर जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल करने के लिए ऑक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बिडर उस पर बिड करेगा, और जिसकी ज़्यादा बिड्स होंगी, जिसकी ज़्यादा अमाउंट होगी, वो वाला जो है वो बिडर जो है वो विन कर देगा, और उसके बारे में फिर सेलर को भी बताया जाएगा और बिडर के को भी बताया जाएगा कि आप विनर हो गए। तो उसके बाद में फिर वो उससे रابطہ करके, एक दूसरे से रابطہ करके सेलर और बिडर तो अपनी प्रोडक्ट्स को मैनेज कर लेंगे, यानी कि वो जो है ना ट्रांसफर हो जाएगी प्रोडक्ट। डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 में पढ़े थे, और जैसे वाटरफॉल मॉडल हो गया, स्पाइरल मॉडल हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल हो गए, बहुत से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स हैं। इन मॉडल से जो है ना हम ये देखते थे कि कैसे हम अपना जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं इन मॉडल्स के जरिए। बाद अवकात ऐसा होता है कि हमारे पास, हमने कोई ऐसी एप्लीकेशन बनानी होती है जो एक ही मॉडल के मुताबिक नहीं बन सकती, तो फिर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ जो है ना प्रोसेस मॉडल्स का कम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, और फिर हम उनको इस्तेमाल करते हुए अपना सॉफ्टवेयर या अपनी एप्लीकेशन को बनाते हैं। व्यू प्रोसेस मॉडल जो है वो भी दो प्रोसेस मॉडल से मिलके बना हुआ है। इसमें दोनों प्रोसेस की खसूसियात हैं, दोनों प्रोसेस के फायदे जो हैं वो इस मॉडल के अंदर हैं। व्यू प्रोसेस मॉडल इज द कम्बिनेशन ऑफ वाटरफॉल मॉडल एज वेल एज स्पाइरल मॉडल। व्यू प्रोसेस मॉडल जो है वो वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल का
मजमुआ है, इसमें क्या होता है कि वाटरफॉल मॉडल आपको पता है डॉक्यूमेंट ड्रिवन अप्रोच है, यानी कि इसमें वाटरफॉल मॉडल में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और आपने हर स्टेज एक स्टेज को पार वो करके कंप्लीट करके फिर आपने नेक्स्ट स्टेज में जाना होता है। जैसे यहाँ पे आप ये देख लें, रिक्वायरमेंट जो है वो हमारा पहली स्टेज है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, ये आपने SRS में किया था, पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग की थी और फिर उसका एनालिसिस किया था, फिर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में डिजाइनिंग की थी और कोडिंग करके टेस्ट किया था, ये आपने कोडिंग वाले फेज में किया था। तो ये हमारे डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट फेजेस चल रहे हैं। और स्पाइडर मॉडल क्या करता है, स्पाइडर मॉडल इनके दिमाग में रिस्क को एनालिसिस करता है कि कितना हम हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर हम जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हैं तो कितना हमारा रिस्क जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। तो वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल दोनों को इस्तेमाल करके हम अपनी एप्लीकेशन को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। इस मॉडल का, वीयू प्रोसेस मॉडल का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि यूज़र के पास एंड में आता है, ये एक्सेप्टेंस लिखा हुआ है ना, सबसे एंड में यूज़र के पास प्रोडक्ट पहुंचती है और फिर यूज़र को पता चलता है कि ये जो है ये फेल है या पास है। तो इस वजह से ये जो है ना, ये वीयू प्रोसेस मॉडल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लेट स्लो अप्रोच है और सबसे एंड में पता चलेगा कि फेल है या पास है। जी, ये हमारी यूज केस डायग्राम है। यूज केस डायग्राम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसमें हम सबसे पहले कंपोनेंट्स को आपने देखना है, सारी डायग्राम्स में आपने कंपोनेंट्स को देखना है कि कंपोनेंट्स क्या हैं और वो कैसे काम करें। देखें, सबसे पहले ये आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ये इसको जो है ना एप्लीकेशन बाउंड्री कहते हैं, यानी कि हमारी ये एप्लीकेशन की बाउंड्री है। ठीक है, इसके अंदर ये जो आपको एलिप्स साइन नजर आ रहे हैं इनको यूज केसेस कहते हैं। ठीक है, और बाहर जो चीजें नजर आ रही हैं ये हमारे यूजर्स हैं, एक एडमिन यूजर है, एक सेलर है और एक बिडर है। हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए एडमिन जो है वो लॉगिन कर सकता है, कैटेगरी को ऐड कर सकता है, व्यू कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ये सारे काम जो है ये एडमिन परफॉर्म करेगा हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह से सेलर जो है वो हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए रिजल्ट को देख सकता है कि मेरी जो प्रोडक्ट सेल हो गई है कि नहीं हुई, उस पर कितनी बिडिंग हुई, ये सारा कुछ ये सेलर को पता कर सकता है। और प्रोडक्ट ऐड करना चाहे व्यू स्टेटस देख सकता है और जो है वो बिडर की लिस्ट देख सकता है, सेंड ईमेल कर सकता है, फीडबैक देख सकता है, ये डिफरेंट काम जो है वो सेलर परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह से ये देखें, कुछ काम जो है वो बिडर भी कर सकते हैं, इन दोनों के कुछ काम कॉमन है, कुछ काम नहीं है। जैसे ये जहाँ पे आपको डबल नजर आ रहा है ना, इसका मतलब ये काम सेलर भी कर सकता है और बिडर भी कर सकता है। बिडर भी नोटिफिकेशंस देख सकता है और बिडर लिस्ट भी देख सकता है, किस चीज़ पे बिड करनी हो वो भी कर सकता है, मेल वगैरह भी कर सकता है, फीडबैक भी कर सकता है और साइन अप भी कर सकता है, रिकवर पासवर्ड वगैरह डिफरेंट ये काम कर सकता है। तो इस डायग्राम का मकसद ये है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो किन किन यूज़र को क्या क्या फायदे देगी, क्या क्या उसे वो हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए कौन कौन से यूज़र क्या क्या काम कर सकते हैं। बिजनेस रूल्स कैटलॉग में वही चीज़ें हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई है, क्या हमारे तीन किस्म के यूज़र होंगे, एडमिन, सेलर और बिडर, जो मुख्तलिफ काम परफॉर्म करेंगे जो हमने पहले इंट्रोडक्शन में देखे हैं। अब आते हैं आर्किटेक्चर लेवल डायग्राम। आर्किटेक्चर लेवल डायग्राम में आप देखिए हमारा थ्री लेयर आर्किटेक्चर हमने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। ये जो एप्लीकेशन बनाई हुई है ये विजुअल स्टूडियो में बनाई हुई है, जो इसमें तीन लेयर्स हैं, एप्लीकेशन लेयर, बिजनेस लेयर और डाटा लेयर। यूजर जो है वो सिर्फ एप्लीकेशन लेयर उसको नजर आ रही होती है, जो सामने फ्रंट एंड नजर आ रहा होता है उसको एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। एप्लीकेशन लेयर HTML CSS में बनाई गई हुई है और ये जो है इस लेयर से ही यूजर इंटरेक्ट होगा, लेकिन उसके अंदर क्या काम हो रहा है वो यूजर को नहीं पता। अंदर जो है वो बिजनेस लॉजिक्स लगी हुई है बिजनेस लेयर में। बिजनेस लेयर के लिए मैं C#.NET लैंग्वेज को इस्तेमाल करूँ, तमाम लॉजिक्स और तमाम डिसीजन जो है वो इस लेयर के अंदर होते हैं। मेजर काम जो है ना वो बिजनेस लेयर का होता है। उसके बाद डाटा लेयर है। डाटा लेयर में हमारा डेटाबेस पड़ा हुआ है जहाँ पे हमने टेबल्स की सूरत में डाटा को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये तीन लेयर थ्री लेयर आर्किटेक्चर काम करता है। इस आर्किटेक्चर में एक
खसूसियत ये है कि आप एक वक्त में सिर्फ एक लेयर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि एप्लीकेशन लेयर सिंगल लेवल तक, एप्लीकेशन लेयर डायरेक्ट डेटा लेयर से बात नहीं करेगी, एप्लीकेशन लेयर बात करेगी बिजनेस लेयर से, बिजनेस लेयर कम्युनिकेट करेगी डेटा लेयर से, फिर आपस में कम्युनिकेट करेंगे सिंगल लेवल तक। प्रोजेक्ट शेड्यूल है, SRS आपने इतने दिनों में देना था, डिजाइन डॉक्यूमेंट इतने दिनों में, SRS 36 दिनों में, डिजाइन 39 डेज में, टेस्ट फेज 20 डेज में, और फाइनल डिलीवरेबल 62 डेज में। अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम की तरफ। इस डायग्राम का नाम है सीक्वेंस डायग्राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीक्वेंस डायग्राम होती क्या है और हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूज केस डायग्राम के अंदर आपने एक यूज केस देखा था, जैसे यहाँ पे एक यूज केस है यूजर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब उस यूज केस को परफॉर्म करने के लिए टाइम के लिहाज से हम क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, टाइम के लिहाज से क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, क्या क्या काम करेंगे, उसको हम ग्राफिकली जब दिखाते हैं तो उसको सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं। ठीक है, इसमें देखें प्रोग्रामिंग में हर चीज को हम कहते हैं ना ऑब्जेक्ट है, इसमें देखें तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, एक यूजर का ऑब्जेक्ट है, यूजर का ऑब्जेक्ट है यू, इसी तरह से GUI का ऑब्जेक्ट है यूजर रजिस्ट्रेशन पेज, और डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है MyDB। आप ये समझ लें कि ये हमारा कोई यूजर है, जैसे यू है मैं उमर। ठीक है, जैसे और GUI का एक ऑब्जेक्ट है यूजर रजिस्ट्रेशन पेज, ये हमारी वेब पेज है, हमारा वेब पेज है। ठीक है, यूजर का रजिस्ट्रेशन पेज जिसको साइन अप भी कहते हैं। ठीक है, और ये हमारी डेटाबेस है, उसका नाम है MyDB। अब ये देखें आपका इस एक्टिविटी के अंदर एक यूजर है, वो हमारे वेब पेज को इस्तेमाल करेगा और डेटाबेस को इस्तेमाल करेगा। अब ये जो डॉटेड लाइन है इसको क्या कहते हैं, डॉटेड लाइन को कहते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन जो है, टाइमलाइन यानी कि टाइम के लिहाज, ये टाइम चल रहा है, आप ये कह लें। ठीक है, और उसके बाद ये जो बॉक्स आपको रेक्टेंगल बॉक्स नजर आ रहा है, इसको कहते हैं एक्टिविटी बार। क्या कहते हैं, एक्टिविटी बार। एक्टिविटी बार ये बताती है कि एक कौन सा काम शुरू हुआ, उस पर क्या काम करना है आपने। सबसे पहले यूजर यू आया, यू ने आके ओपन GUI की यानी कि रजिस्ट्रेशन पेज ओपन किया। जैसे उसने रजिस्ट्रेशन पेज ओपन किया तो ये हमारी एक्टिविटी ओपन हो गई, यानी कि रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो गया। ठीक है, उसके बाद उसने फॉर्म को फिल किया और सबमिट किया। फॉर्म को फिल करने के बाद, फॉर्म को फिल करने में उसने इन्फॉर्मेशन अपनी दी और सबमिट के बटन पे क्लिक किया, वो वेब पेज से डाटा जो है वो डाटाबेस में चला गया, तो ये डाटाबेस हमारी एक्टिविटी ऑन हुई, उसमें डाटा यूजर का इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हुई, उसके बाद उसको रिस्पॉन्स मिल गया सक्सेसफुल, यानी कि डाटा सेव और डाटा सेव सक्सेसफुली, ये मैसेज आ गया। अब इसमें ये देखें एक बात समझने वाली ये है कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जब आपने कोई मैसेज भेजना है तो वो मेथड की सूरत में होता है, यानी फंक्शन की सूरत में होता है। ठीक है, और ये जो मैसेज हो रहा है ना एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में, इसे कहते हैं, ये जो है ये सिंक्रोनस मैसेज है। सिंक्रोनस मैसेज वो मैसेज होता है जिसमें एक एक्टिविटी से डाटा दूसरी एक्टिविटी में हम मैसेज सेंड करते हैं, उसका हमें रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, जैसे ये देखें ओपन GUI किया, फिल फॉर्म किया, सबमिट किया, उसके बाद सेव में गया, सेव करने के बाद रिस्पॉन्स हुआ। ये देखें ये आपकी आपका सिंक्रोनस मैसेज है। एसिंक्रोनस मैसेज सिर्फ एक तरफ होता है, एक तरफा, ये सिंक्रोनस मैसेज है, यानी कि पहले रिक्वेस्ट सेंड होगी उसका फिर रिस्पॉन्स होगा, इसी तरह से रिक्वेस्ट सेंड हुई उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है। रिस्पॉन्स जो है वो डॉटेड लाइन में होता है, और जब आप मैसेज भेजते हैं तो वो मेथड की सूरत में होता है, फंक्शन की सूरत में। इसी तरह से सर्च आइटम का की एक एक्टिविटी है, विडर आया एस, उसने अपने होम पेज में उसने GUI ओपन की, सर्च कैटेगरी को सर्च किया, कौन सी कैटेगरी चाहिए, जैसे मुझे मोटर बाइक की कैटेगरी चाहिए, उसने वो सिलेक्ट किया, उसमें आइटम सिलेक्ट करने वो सिलेक्ट की, एक कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद उसने उसके अंदर आइटम सिलेक्ट की, मुख्तलिफ कैटेगरीज हो सकती है, जैसे ट्रांसपोर्ट की आप कह लें, उसमें मोटरसाइकिल्स थी, गाड़ियां थी, तो उसने मोटरसाइकिल को सिलेक्ट कर लिया, मोटरसाइकिल आइटम सिलेक्ट हो गई। फिर उसने सर्च पे क्लिक किया, वो तो डेटाबेस में रिक्वेस्ट गई कि तमाम डेटाबेस में से जितनी भी बिड्स है ना इसकी मोटरसाइकिलों की वो मुझे ला के दिखा दो, तो वो ला के सक्सेसफुली डाटा शो हो गया, यूजर ने उसके ऊपर बिड की, अपना नाम लिखा, अपनी आइटम को सिलेक्ट किया और अमाउंट बताई, वो डाटा बेस में सेव हो गई, उसको बता दिया कि जो है ना वो
आपने बिडिंग कर दी, आपका थैंक शुक्रिया। अब ये जो है ये हमारी एक इम्पोर्टेंट डायग्राम है, इसका नाम है लॉजिकल मॉडल या क्लास डायग्राम। ठीक है, क्लास डायग्राम जो है इसमें आपको पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मुताबिक हर चीज एक ऑब्जेक्ट है। अभी पहले बात करते हैं क्लास डायग्राम हम क्यों बनाते हैं और उसकी क्या है असल में। क्लास डायग्राम में हम ये बताते हैं कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर कितनी ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस इन्वॉल्व होंगी और उनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, जब आप जो है ना एसोसिएशन करते हैं तो उसको जो है ना वो हम यहाँ क्लास डायग्राम में देखते हैं। ये सिंपल एसोसिएशन हुई है, एसोसिएशन मुख्तलिफ तरीकों से हो सकती है, इनहेरिटेंस हो सकती है, एग्रीगेशन हो सकती है, कंपोजिशन हो सकती है, लेकिन ये सिंपल एसोसिएशन है। इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज हो रहा है। जैसे ये देखें यूजर जो है ये यूजर बिड को यूजर बिड जो है यूजर बिड एक क्लास है जो कि यूजर आईडी को इस्तेमाल करी है। इसी तरह से सेलर आइटम जो है वो इस्तेमाल करी है यूजर आईडी को, यानी कि इस सेलर आईडी के अंदर जो है वो यूजर आईडी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल एसोसिएशन है। यहाँ पे ग्राफिकली विजुअल स्टूडियो मैंने यूज किया था, उसके अंदर ग्राफिकली इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें आप देख लें कि ये डिफरेंट क्लासेस है हमारी, ये यूजर की क्लास है, यूजर बिड है, ऑक्शन है, कैटेगरी है, आइटम्स है, यूजर काउंट्स है, सेलर आइटम है, ऑक्शन पार्टिसिपेंट्स है। ये डिफरेंट आइटम्स हैं जो कि आपस में एसोसिएट कर रहे हैं। जैसे सेलर आइटम जो है वो यूजर के साथ एसोसिएट कर रहा है, यूजर आईडी उसको यूज कर रहा है, और ऑक्शन पार्टिसिपेंट्स में बायर आईडी जो है वो यूज हो रही है जो कि यूजर आईडी है। दरअसल यहाँ पे वो बायर आईडी है लेकिन यूजर की क्लास में वो यूजर आईडी है, उसका नाम फर्क मुख्य है। अच्छा जी, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ये बताती है कि हमारी एप्लीकेशन में कितनी एंटिटीज इस्तेमाल होंगी और उनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है, ये देखें ये जो एक आपको इसके कंपोनेंट्स पे आप गौर किया करें, ये जो आपका एक कंपोनेंट है इसको जो है वो एंटिटी कहते हैं, इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, इसी तरह से ये एक एंटिटी है, इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। इन दोनों के दरमियान में जब आपने मिलाना है तो इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप यूज होगा। ठीक है, रिलेशनशिप ये शो करता है प्रोग्राम डेटाबेस के मुताबिक, आप दो एंटिटीज को बगैर रिलेशनशिप के शो नहीं करते। ठीक है, और फिर उनकी कार्डिनैलिटीज है कि एक एंटिटी जो है वो दूसरी एंटिटी में कैसे इस्तेमाल हो सकती है। जैसे ये देखें एक यूजर जो है उसके एक से ज्यादा यूजर अकाउंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और वो एक से ज्यादा यूजर अकाउंट्स की डिटेल्स भी दे सकता है। इसी तरह से यूजर जो है वो एक से ज्यादा आइटम्स को भी सेल कर सकता है, क्योंकि सेलर ज्यादा भी हो सकते हैं, एक सेलर जो है वो एक से ज्यादा अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। इसी तरह से यूजर जो है वो ऑक्शन पार्टिसिपेंट एक से ज्यादा ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपको अंडरलाइन नजर आ रहे हैं ना, ये प्राइमरी की लगाई हुई है। ठीक है, हर एंटिटी के अंदर जो हमारे एट्रीब्यूट है उनमें एक अंडरलाइन लगी हुई है। अंडरलाइन का मतलब है कि ये हमारी प्राइमरी एट्रीब्यूट है। अब इसमें नहीं है, यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे हम यूजर आईडी को यूज करें। एक प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में एंटिटी में यूज होती है तो आपको पता है वो क्या बन जाती है, फॉरेन की बन जाती है। ठीक है, तो ये जो है फॉरेन की यहाँ पे यूज हो रही है, यूजर आईडी यहाँ पे भी मुख्तलिफ जगहों पे ये फॉरेन की के तौर पे यूज हो रही है। ये हमारी डेटाबेस डायग्राम है। डेटाबेस डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारे डिफरेंट टेबल्स क्या है और उनके दरमियान में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो ये जो आपको की नजर आ रही है, ये की जो है ये दरअसल प्राइमरी की को शो करती है। ठीक है, और ये एक होगी। ठीक है, तो ये की जो है ये यूज हो रही है यूजर अकाउंट में, ये की यूज हो रही है यूजर बिड्स में, ये की यूज हो रही है ये देखें यूजर ऑक्शन पार्टिसिपेंट्स में। एक की
अब ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है, इन्फिनिटी का मतलब होता है मैनी, ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। ये क्या है? वन टू मैनी का रिलेशनशिप। इसमें जो है क्या होता है कि एक यूजर जो है वो एक से ज्यादा अकाउंट रख सकता है, उसकी डिटेल्स एक से ज्यादा हो सकती है, तो इसलिए जो है ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। यहाँ पे ये जो प्राइमरी की है चाबी नजर आ रही है, ये वन का रिलेशनशिप है, और ये जो इन्फिनिटी नजर आ रहा है ये मैनी का, यानी कि ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप दिखाया गया। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन थी। ये इसके लिए मैंने विजुअल स्टूडियो यूज किया 2010, सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की है, एमएस एसक्यूएल सर्वर यूज किया है, और आईआईएस सर्विस यूज की है, आईएस सर्विस इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज यूज किए हैं डाटा को वेब ब्राउजिंग वगैरह के लिए, और एमएस ऑफिस यूज किया है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मजीद मेरे वीडियोज देखने के लिए मेरा चैनल